स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आजकल के सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग में एक सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन चल रहा है जेड पे, और जेड पे आपको यहाँ पर 7% 8.5% कैशबैक देने का वादा करता है। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में उसकी असलियत बताने वाला हूँ। साथ ही मैं SBN पे एक और सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको और इसको दोनों को मैं यहाँ पे कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि जेड पे जो है उसकी असलियत क्या है, आपको किस तरीके से आपको जेड पे लूट रहा है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक आपको वीडियो देखना है। और हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर मैं किसी भी प्लान को यहां पर कोई भी पॉइंट या गलत बता रहा हूं तो हमारे वीडियो को डिसलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पे जो होगी जो सत्यता प्रदर्शित की जाएगी। दोस्तों, बिल्कुल भी यहां पे किसी भी प्लान के बारे में कोई गलत बातें नहीं होंगी। आप ए से जेड तक जान लीजिएगा कि जेड पे कैसे एक लुटेरी एप्लीकेशन है, कैसे आपको लूट रही है। दोस्तों, मैं आपको शुरू करते हैं। यहां पे दोनों ही सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है और बात करते हैं रिचार्ज की। तो जेड पे में रिचार्ज की कंडीशन है और आप यहाँ पे लिमिटेड ही रिचार्ज कर सकते हैं, ₹1000 से बड़े का रिचार्ज नहीं कर सकते। और टोटल यहाँ पे कंडीशन है कि आप महीने में आप 5000 से ज़्यादा का रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं SBN पे की। तो SBN पे में आप ₹10 से लेकर के 5000 तक का भी रिचार्ज कर सकते हैं एक दिन में, और कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड महीने में रिचार्ज कर सकते हैं, दिन में रात में 24 आवर्स कितने भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कैशबैक की। तो जेड पे में यहाँ पे आपको सेल्फ में 7% का कैशबैक मिलने वाला है और SBN पे में आपको 3% का कैशबैक मिलने वाला है। यानी कि SBN पे में विदाउट कंडीशन आपको मिलेगा, जितने चाहे उतने कर सकते हैं, और जेड पे में आप मात्र 5000 से ज़्यादा का रिचार्ज नहीं कर सकते, 1000 से बड़े का रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो रेफरल जो इनकम मिल रही है यहाँ पर। पहले ज्वाइनिंग पैकेज की बात करते हैं। जेड पे में 599 और 1199 के दो ज्वाइनिंग पैकेज हैं। वहीं SBN पे में भी 597 और 1197 के दो ज्वाइनिंग पैकेज है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि ₹2 तो यहाँ पे कम हो गए। दूसरा, अब हम बात करते हैं इन दोनों पैकेज में आपको रेफरल इनकम किस तरीके से मिलता होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइम पैकेज की। तो अगर मान लीजिए जेड पे का 599 का प्राइम पैकेज है और आप किसी को रेफर करते हैं, तो प्राइम पैकेज से जो आईडी लगेगी उससे आपको मिलेगा ₹200। ठीक है, अब ₹200 तो मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा इसमें से भी आपको कम मिलेगा, मैं एंडिंग समय में बताऊंगा, आप कैलकुलेट कर लेना, वहां पे आपको 160 ही मिलेगा। अब अगर आप उसके नीचे प्राइम मेंबर के नीचे अगर सुपर प्राइम की भी आईडी लगाएंगे तब भी आपको 160 ही मिलेगा। बोलते तो ₹200 हैं, वो 160 कैसे मिलता है मैं अब आगे बताऊंगा आपको। यानी कि आपने प्राइम पैकेज लिया और दोनों ही आईडी आपके नीचे लग रही, चाहे छोटी लगे चाहे बड़ी लगे, फिर भी आपको 160 ही मिलेगा। अब बात करते हैं सुपर प्राइम पैकेज की, यानी 1199 वाले की। तो 1199 वाले के नीचे अगर छोटी वाली प्राइम पैकेज की आईडी आती है तब भी आपको ₹160 ही मिलेगा, और बड़ी वाली आती है तो वहाँ पे यानी कि 400 मिलेगा। वो बोला आपको आपको 500 के लिए जाता है वहाँ पे, वो 400 कैसे मिलेगा मैं एंडिंग समय में आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं SBN पे की। देखिए जेड पे कैसे लूट रहा है यहाँ पे रेफरल इनकम में, और अब देखते हैं यहाँ पे SBN पे की। SBN पे के अंदर 597 का प्राइम पैकेज है, अगर आप 597 से ही किसी को रेफर करते हैं तो वहाँ से आपको मिलेगा पूरा ₹200। ठीक है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में जाने वाला है तो वो ₹190 जाएगा, और जेड पे में जा रहा था ₹160। अब इसके बावजूद अगर आपकी आईडी प्राइम है और आपके नीचे सुपर प्राइम से किसी ने ज्वाइनिंग लिया है तो वहां से मिलेगा आपको ₹400 की इनकम होने वाली है। दोस्तों, यानी पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सुपर प्राइम पैकेज की। SBN पे में अगर आपका सुपर प्राइम पैकेज है, आपके नीचे प्राइम पैकेज की आईडी लगती है, तो आपको वहां से मिलेगा ₹250 की इनकम होगी, और आपके प्राइम पैकेज के नीचे सुपर प्राइम पैकेज के नीचे सुपर प्राइम पैकेज ही आता है, बड़ी वाली आईडी आती है, तो आपको वहां से होगी अर्निंग ₹500। यानी यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा, छोटे पैकेज में बड़ा धमाका। ठीक है, और कितना रेफरल इनकम में यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें रैंक के ऊपर। जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट रेफरल करते हैं
तो यहाँ पे अगर पहली जो रैंक होती है वो ब्रॉन्ज होती है। जेड पे में आपको ब्रॉन्ज रैंक हासिल करने के लिए 15 आईडी लगानी पड़ती है। मान लीजिए एसवेन पे में भी प्राइम की जो होती है वो 15 ही आईडी आपको लगानी पड़ेगी अगर आप ब्रॉन्ज बनते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम काउंट होता है। ठीक है, अगर आप बड़ी वाली आईडी लगाते हैं जेड पे में, चाहे बड़ी लगाओ छोटी लगाओ वहाँ पे आईडी काउंट होती है, 15 ही लगानी पड़ेगी। अगर आप एसवेन पे में अगर बड़ी आईडी लगाते हैं तो 7 आईडी लगेगी और छोटी एक लगा देंगे 8 आईडी, टोटल आप यहाँ पे ब्रॉन्ज बन जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद ये रैंक का कंडीशन हो गया, यहाँ पर की आईडी में भी फर्क हो गया, वहां पर भी आपको किस तरीके से कंडीशन में रखा जा रहा है। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रैंक की, यानी कि सिल्वर बनने की। तो सिल्वर जेड पे में अगर सिल्वर बनते हैं तो आपके डायरेक्ट में अगर 5 ब्रॉन्ज नहीं बनेंगे तब तक, यानी कि 5 लोगों के 15-15 डायरेक्ट नहीं होंगे तब तक आप सिल्वर नहीं बन पाएंगे। आपके टीम में 15 लोगों के और 15-15 लोग नहीं होंगे 5 लोगों के, तब तक आप यहाँ पे सिल्वर नहीं बन पाएंगे। चाहे आपकी टीम 40,000 की हो, 50,000 की पहुँचे, लेकिन आप आगे की जो है रैंक हासिल नहीं कर पाएंगे। एसवेन पे में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपने 15 डायरेक्ट किया, उन्हीं 15 डायरेक्ट में से मान लीजिए किसी ने 2 आईडी, किसी ने 3 आईडी या 4 आईडी, 10 आईडी, ऐसे करके सबने टोटल करके नीचे, यानी कि आपके 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम का जितना आईडी लगता है, चाहे छोटा आईडी हो चाहे बड़ा आईडी हो, तो आप वहाँ पे सिल्वर बन जाते। ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि आपके नीचे ब्रॉन्ज होंगे तभी आप सिल्वर बन पाएंगे। वहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम काउंट होता है उस, और टोटल टीम का काउंट होता है। एक आदमी मिलके बना सकता है या सभी टीम वाले मिलके बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया कंडीशन। इसी तरह से नेक्स्ट बाय नेक्स्ट यहाँ पे हर जगह आपको जेड पे में कंडीशन मिलेगी नेक्स्ट रैंक हासिल करने के लिए, और एसवेन पे में सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा, वो चाहे एक आदमी करता रहे चाहे सभी मिलके करते रहें, और सभी का यहाँ पे काउंट होता है। जैसे बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हुआ, चाहे आपके नीचे ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बने ना बने, आप डायमंड जरूर बनते जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे ऐसा रैंक हासिल करने में भी कोई कंडीशन नहीं होगा आपको। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे रिवॉर्ड इनकम की। जैसे ही आप रॉयल्टी की बात करेंगे तो आप रॉयल्टी थोड़ा पीडीएफ में चेक कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। रिवॉर्ड की बात करते हैं, जेड पे में जैसे ही आप ब्रॉन्ज बनते हैं तो आपको मात्र यहाँ पे वेलकम किट मिलता है, और वेलकम किट ही आपको एसवेन पे में मिलता है। अब सिल्वर बनते हैं जेड पे में तो सिल्वर पे आपको मात्र 8,000 रुपये का मोबाइल फंड मिलेगा, वहीं एसवेन पे में आपको 16,000 का मिलेगा। अगर उसी 8,000 में से, अब यहाँ पे भी देखना, यहाँ पर भी अगर विड्रॉल लगाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा सिर्फ 6,400 रुपये, और एसवेन पे में विड्रॉल लगाएंगे 16,000 का तो 15,200 रुपये के वहां पे आपको बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे रिवॉर्ड इनकम भी ऐसे जेड तक अगर देखा जाएंगे तो सभी रिवॉर्ड पीडीएफ आप कंपेयर करके देख लेना, सभी रिवॉर्ड की टोटल जो इनकम है आपकी सिल्वर से लेकर के एम्बेसडर तक की वो 19.5 लाख है। ऐसा इतने मिलेंगे आपको 19.5 लाख, उसमें से भी अगर विड्रॉ लगाएंगे तो आपको 15 से 16 लाख रुपए ही मिलने वाला है वहां पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें एसवेन पे की, तो एसवेन पे में सिल्वर से लेकर के आपको एम्बेसडर तक 3.5 करोड़ के समथिंग का रिवॉर्ड इनकम मिलने वाला है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर भी आपको देखिए रिचार्ज में कंडीशन हो गया, फिर रेफरल इनकम में आपको कम दे रहा है, फिर डायरेक्ट में कंडीशन रैंक हासिल करने के लिए कंडीशन हो गया, और रिवॉर्ड इनकम कम हो गया। अब हम बात करते हैं अगर विड्रॉल लगाते हैं तो 500 रुपये से कम का विड्रॉल नहीं लगा सकते हैं जेड पे में, और एसवेन पे में आप मात्र 180 रुपये का विड्रॉल लगा सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात, जेड पे में आपको 8 बजे से 6 बजे तक का विड्रॉल का टाइम दिया जाता है, और सैटरडे संडे की लीव रहती है। यहाँ पे एसवेन पे में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लीव नहीं रहता है, कोई छुट्टी नहीं रहती है, जब चाहे तब 24 घंटे में आप विड्रॉल लगा सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल होगा 180 रुपये का, और जेड पे में होगा 500 रुपये का। अब जेड पे में एड फंड की बात करें तो एड फंड होता है 500 का, और वहीं एसवेन पे में बात करें तो मात्र 100 रुपये एड फंड कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे विड्रॉल लगाते हैं तो विड्रॉल की बात करिएगा दोस्तों, वहाँ पे जेड पे में विड्रॉल लगाएंगे तो 20% का चार्ज कटेगा, वहाँ पर फलाना ढिमका इस तरीके से कुछ आपसे चार्ज काट लिए जाते हैं 20% के समथिंग। अगर एसवेन पे में विड्रॉल लगाएंगे तो मात्र 5% TDS कटेगा, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं कटेगा।
अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जेडपे के। देखिए जैसे कि जेडपे में अभी मीटिंग सेमिनार के नाम पे जबरदस्ती मोटी रकम वसूल की जाती है। पहले जब भी विड्रॉ लगाते हैं तो 5% आपको इस नाम से लूटा जाता है कि ये 5% जब भी कोई मीटिंग या सेमिनार होगा तो आपका वहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। अब जब इनका मीटिंग हो रहा है तो वहाँ से 6 से 8 हज़ार रुपये का यहाँ पर पैसा वसूल किया जा रहा है। जो इनकम पहले से कई लोग जो है बेचारे 10 से 15 हज़ार रुपये की तो अर्निंग करी है उन्होंने, उस 10-15 हज़ार में 20% का पहले ही उन्होंने विड्रॉल चार्ज दे दिया और ऊपर से मीटिंग सेमिनार में जाने की यहाँ पे कंडीशन भी लगा दी, अगर नहीं आएंगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, रैंक जो कैंसिल हो जाएगी, रॉयल्टी नहीं मिलेगी, इस तरह की धमकी वहाँ पे आपको मिल रही है। बाकी हम बात करें एसवेन पे की तो दोस्तों एसवेन पे का अभी आने वाले महीने की 16 तारीख से 18 तारीख तक मीटिंग रहेगी 3 दिन और 2 रात के लिए। रहना खाना फिरा घूमना फिरना सब फ्री रहेगा जिम कार्बेट में। वहाँ पर जो भी खर्चा होगा टोटली कंपनी का होगा, आपको एक पैसा भी नहीं देना, यानी विड्रॉल में भी आपको एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है और मीटिंग सेमिनार भी होगी, टोटल खर्चा होगा वो कंपनी का होगा। इस तरीके से जेडपे आपको लूट रहा है। और भी आगे आपको मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि आपको एसवेन पे इस जगह से लूट नहीं रहा है। दूसरा मैं कंडीशन ये बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर भी धमकाया या डराया जाता है कि आपने अगर 15-20 डायरेक्ट नहीं किए तो आपकी 20 लेवल तक की इनकम नहीं मिलेगी। यानी कि काफ़ी लोग ऐसे हैं बेचारों के 3-3, 4-4 डायरेक्ट हैं, उनकी टीम बन चुकी है 10-10 हज़ार लोगों की, अगर वो डायरेक्ट की उनकी इनकम बंद हो जाएगी तो 3 लेवल तक की होगी, उनकी टीम बनी है 5 लेवल से नीचे की तो वो भी बिना मेहनत के ही बैठे रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो भी धमकी, हर जगह कंडीशन, बात करने का इनको ढंग नहीं है, मीटिंग में नहीं आएंगे तो वो रैंक कैंसिल कर देंगे। और दूसरा यहाँ पर ना इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। मीटिंग होती है तो आप खुद एक बार मीटिंग में जाके देखिएगा, जितने लोग आते हैं सबके हंडराई रहते हैं, किसी को बोलने का तक का भी मौका नहीं दिया जाता, खुद बक बक करते रहेंगे, सामने वाले की सुनेंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो किसी की नहीं सुनेंगे, विड्रॉल समय पर लगता नहीं है इनका, रिचार्ज समय पर होता नहीं है। 7% के नाम से अब मैं बताता हूं आपको, यहां पे 350 आपको पूरे महीने में मिल रहा है, उसमें से भी अगर आप 20% का विड्रॉल चार्ज कट करेंगे तो दोस्तों 280 रुपए की इनकम होती है। अब काफी लोग बोलेंगे यहाँ पे हम रिचार्ज के लिए थोड़ी आते हैं, रिचार्ज के लिए पैसा कमाने थोड़ी आते हैं हम, तो मैं बोलता हूँ अगर अर्निंग करने के लिए भी आए हैं तो बता दो आपकी कंपनी में कौन सा पॉइंट ऐसा है तो ये अर्निंग में बेस्ट रहेगा। आपको हर जगह पे लूटा जा रहा है, यानी कि देने के बाद में वापस कंपनी ले रही है आपसे, रिचार्ज में लिमिट कर दिया, जो रेफरल इनकम है उसमें भी आपको लूटा जा रहा है, और डायरेक्ट मेंबर की जो लेवल की इनकम है वो उसमें भी आपको कंडीशन रखा गया है कि इतने आपके मेंबर होंगे तभी इतने लेवल तक इनकम मिलेगी, वहां लूटा जा रहा है। और रैंक में आपको कंडीशन डाल दिया कि बहुत पसीना निकल जाता है लोगों के, बेचारे इतनी बड़ी बड़ी टीम बन जाती है लेकिन नेक्स्ट रैंक जो है हासिल करना उनका मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, यहां पे विड्रॉल कंडीशन हो गई, रिवॉर्ड कम मिल रहा है और रिचार्ज भी ज्यादा। यहां पे मैं एक दोस्तों आपको एक चीज और बताने वाला था, थोड़ी सी मेरे दिमाग से निकल गई है, वो चीज क्या बताने वाला था, इंपॉर्टेंट ही था कुछ चीज तो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर कंपेयर करके आप रिचार्ज के लिए ही जा रहे हैं तो बिल्कुल भी इसे ज्वाइन ना करें। मैं बता रहा हूं यहां पर काफी ऐसी कंपनियां हैं जो देखोगे आप आज नहीं तो कल ये कंपनी आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली है, ऐसे जेड तक गौर कीजिएगा, भेड़ चाल पे ना चले। और काफी लोग यहां पे ऐसे भी दुखी हो गए हैं, वो घर के ना घाट के वो धोबी के कुत्ते बन गए, क्योंकि उनकी 1000-1500 लोगों की टीम बन गई है तो वहां से ऊपर से कंपनी से धमकी आती है, अगर किसी भी कंपनी का प्रमोशन किया ज्वाइन किया तो आपको यहां से हटा दिया जाएगा, आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा, वहां पर भी लोग फंसे हुए बेचारे तो क्या करे, कहां जाए, इधर के ना उधर के, तो करो खुल के करो दोस्तों, और ऐसा सीना ठोक के कहो कि हम लीगल कंपनी करते हैं आपकी कंपनी। मेरे को एक पॉइंट भी ऐसा बता दो कि आपकी कंपनी लीगल तरीके से काम कर रही है, लोगों को लूटने का हर जगह डराने धमकाना। मैं कहता हूं एमसीए की गाइडलाइन की जो लिस्ट होती है उसमें कौन सी जगह ऐसा लिखा गया है कि आप अपने यूजर्स को डरा धमका के काम करवा सकते हैं, या ऐसा कोई पॉइंट होता है, कंडीशन होती है कि आप ये करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों। यानी कि ये फुली फ्रॉड कंपनी लूटने के लिए आई है और लूट के जाएगी,
कि आप आज नहीं तो कल जो बड़े बड़े जो यूजर्स हैं इनके जो कंपनी के अंदर रैंक हासिल कर चुके हैं उनको इनकम हो रही है, उनका स्क्रीनशॉट इधर उधर दाएं बाएं घुमा रहे हैं और इनकम उन्हीं को ही होगी, आपको कुछ नहीं होगी। आप नहीं तो रैंक हासिल कर पाएंगे ना यहाँ पे इनकम कर पाएंगे, आप आज नहीं तो कल पछताएंगे जरूर। वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने आपको इस बारे में कुछ गलत बताया हो तो जरूर बताना कि एक भी पॉइंट जो आपकी पीडीएफ में होती है, जो आपकी मीटिंग्स में बताई जाती है, वही चीज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। यहां पर मैंने एक भी पॉइंट जो है एक्स्ट्रा मेरी तरफ से ऐड करके नहीं बताया दोस्तों, टोटली जो चीजें हैं वो मैंने आप ही के बिजनेस प्लान से बताई है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।